कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तुष्टीकरण का चार्टर है। PFI के बारे में आप पहले नहीं बोलते, बजरंग दल के बारे में आप पहले बोलते। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो आग से खेल रही। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तुष्टीकरण का चार्टर है। आतंकवाद को प्रमोशन, अप्रत्यक्ष रूप से PFI को सहयोग, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? वोट के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति था? बहुत गुंडागर्दी चलता था, महिला लोग शाम के समय रात के समय नहीं चल सकते थे, लेकिन क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ऐसा ही बजरंग दल, ओ अगर एक्सट्रीमिस्ट कौन रहते हैं उनको ऊपर कार्यवाही करिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन PFI के बारे में आप पहले नहीं बोलते, बजरंग दल के बारे में आप पहले बोलते, क्यों? आपको आपका तुष्टीकरण नीति इससे महसूस होता है, आप कैसे नीति तय कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप लीजिए किसके कौन एक्सट्रीमिस्ट है, कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, कौन अशांति निर्माण कर रहा है सोसाइटी में, उनके ऊपर सभी कार्यवाही करिए, लेकिन उसके बारे में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आप पहले बोल रहे हैं बजरंग दल, क्यों पहले भयोत्पादन, क्यों पहले उग्रवादी, क्यों पहले PFI, क्यों पहले SDPI नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अयोध्या का ढांचा गिरने के बाद में नरसिंहा राव जी ने ये प्रयत्न किया था, पर कोर्ट में जब मामला चला तो न्यायाधीश ने कहा कोई कानूनी आधार नहीं है, PFI भारत को टुकड़े टुकड़े करने वालों के और जिहाद करने वाले लोगों का संगठन है जो भारत की सरकार को, समाज को, प्रभुसत्ता को चुनौती देता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबको मजबूती देने वाले संगठन है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो आग से खेल रही, और आग से खेलना आसान नहीं होता, वो खिलाड़ी को नष्ट करती है, वो होलिका का जैसा प्रयत्न ना करें, ये तुलना ठीक नहीं है। इस बात में किसकी असहमति है कि अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई करता है, काम करता है, तो कार्रवाई हो, और बजरंग दल पर तो ऐसा कोई आरोप नहीं आता, वो तो कानून के दायरे में रह करके इस राष्ट्र के लिए पोषक काम करता है। इसलिए इसकी PFI से तुलना करके और ये धमकी दे के हिंदू समाज को उत्तेजित करने का काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसी घोषणा करके कर्नाटक में अपनी पराजय की तैयारी कर ली है।